आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस जगह हम जा रहे हैं वो है मुनसिरा। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं और सब म्यूजिक एंजॉय करते करते। ये हम बार्सिलोना से निकले हैं और यहाँ से मैक्सिमम 43 मिनट्स लगेंगे हमें वहाँ पहुँचते हुए। और आज वेदर थोड़ी गर्मी है इधर और अब हम जा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू हुआ है और आगे पहाड़ हैं इनके, देख सकते हैं आपके पहाड़ियों के ऊपर ये घर भी बने हुए हैं। और हमारी गाड़ी जा रही आगे। ये हम हाईवे पे चल रहे हैं लगातार, हमें 20 मिनट हो गए मैक्सिमम इधर। और बार्सिलोना से मुनसिरात का सफ़र जो है वो पूरा घंटे का सफ़र है यहाँ से। अभी जस्ट हमें 20 से 25 मिनट हुए हैं और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब नज़दीक रह जाएगा रास्ता तो फिर मैं आपको बताऊँगी। हाईवे कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हम पहाड़ियों के ज़रिए गाड़ी ऊपर जाएगी जो हमें मुनसिरात तक पहुँचाएगी। और अब हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं ये और फिर ऊपर चल के इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। ये देखें ये होटल भी है और ये रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी ट्रिप आई हुई थी, इसमें नबीना लोग भी थे और जो मतलब के नॉर्मल लोग होते हैं वो उनकी ट्रिप भी थी इसके अंदर। वहाँ से ट्रेन आती है, पूरा ट्रेन का बनी हुई है पटरी और जिनके पास कार या नहीं आ सकते वो ट्रेन में भी सफ़र करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ये है पहाड़ यहाँ पर, बहुत मज़े की हमारे पहाड़ी। अगर हम यहाँ पर दिन के टाइम आते तो बादलों के अंदर से हम गुजर सकते थे, लेकिन हमें देर हो गई है तो हम घर से लेट निकले थे, इस वजह से बादल वगैरह नहीं है। लेकिन फिर कभी से इंशाल्लाह अगर चक्कर लगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे हम। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं नज़दीक जा रही हूँ, आपको जाके वहाँ पर जाके दिखाती हूँ कि वहाँ के पहाड़ और नीचे आबादी जो है देख सकते हो है पहाड़ ने। ना टीवी टाबूदा अबू है। कैसा लगा मेरा मजाक? थले ओ जिप लाइन लगी है जिदे उत्ते बह के बंदे आने ने ते फोटो खिंच रहे ने। वाह क्या सीन है। थले नहर है एक जिहड़ी पाकिस्तान तो होके आंदी है ते एदे पिछे आबादी है। इधर दसिया गया है मुनसिरात दे सारे बच्चे ने ते इन्हां दी खबरां छपियां ने उत्ते ते नक्शा है जिदे उत्ते नाम लिखे ने इन्हां दे बच्चियां दे। तुसीं वेख सकदे हो किन्ना खौफनाक है। मैं मुनसिरात काम ते पुलिस रात ज़्यादा लगदा है। देखिए हम अपने इन्जॉयमेंट के लिए चीज़ें लिखे आए हैं यहाँ पे और ये पानी भी लिखे हैं जो यहाँ की कमी पूरी करता है। साथ ही हम खिचड़ी भी लिखे आए हैं और इसकी रीज़न खिचड़ी की जब मेन रीज़न है वो मेरी सिस्टर आपको बताएगी। खिचड़ी इसलिए देख सकते हैं कि क्रिश्चियंस का यहाँ पे कोई किसी की डेथ हो गई है तो उधर वो आपको नज़र आ रहे हो कैमरा जूम हम आपको करके दिखा रहे हैं तो वो दवाई खैर करें जैसे हम यहाँ पे दफना के तो दवाई खैर करते हैं तो ये भी अपने मुर्दे के लिए पड़े हैं वहाँ पे। देखिए कितनी बुलंदी पे खड़े हुए हैं वो।
ये देखे यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं, फोटो शूट हो रहे हैं यहाँ पे, और उधर से हम नीचे भी उतर के जा सकते हैं लेकिन हमें डर लगता है। देखिए यहाँ पे वीकेंड है तो फैमिलियाँ भी आई हुई हैं इंजॉय करने के लिए। देखिए हवा आ चुकी है, देखिए बहुत ज़्यादा हवाएं जा रही हैं, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। कॉफ़ी वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, बॉटल्स वगैरह जो भी चाहिए आपको तो मिल सकते हैं। ये मशीन बनी हुई हैं यहाँ पे, यहाँ पर बसेस खड़ी हुई हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ये इतने मतलब बुजुर्ग यहाँ पे लोग हैं, देखिए सब इंजॉय करने के आए हुए हैं, पेंटे शर्टें पहन के यात्रा करने आए हैं, तो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं। और हमारे रखे इस उम्र में कितने बैठ जाते हैं, बैठ के साथ लग जाते हैं, और ये रखे कितनी मतलब 88 किलो एज के लोग हैं, और ये रखे ये देखिए यहाँ पे अंग्रेजों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अंग्रेजों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, शहद के कुछ इन लोग अपनी चीजें जो ये खाते हैं। देखिए हर किसी ने अपना अपना स्टॉल लगाया हुआ है। गाड़ी भी जब मतलब टाइम ओवर हो जाता है तो अपने गाड़ी में रख के फिर अपने घर को वापस चलते हैं। ऐसे ही आगे हम रोड जाते हैं तो यहाँ पे भी लगे हुए हैं, ये देखें। अब मुझे नहीं आइडिया कि ये क्या क्या चीज़ है इनकी, ये तो शहद है, ये क्या है, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ये सब हराम भी है ना, कुछ हलाल। ये क्या वाइट ब्रेड इसमें, ये वाइट वाइट क्या है इसमें, प्लेन का असली शहद है ये, नेचुरल है, ये भी शहद है, और ये ड्राई फ्रूट्स। अच्छा चीज़ है इनकी, अच्छा ये, और ये क्या है ये पता नहीं, ये कोई मुरब्बा लग रहा है, मुरब्बा टाइप पता नहीं। ये थे इनका स्टॉल, इनका है प्लेटफॉर्म है जहाँ से टिकट वगैरह लेके आते हैं, और वो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ से भी ट्रेन उतर के आती है जो सारा ऊपर का व्यू आपको दिखाती है, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं देखने, वो ट्रेन है वहाँ से सीधी नीचे उतर के आती है ऐसे आगे, फिर आगे प्लेटफॉर्म आ गया, फिर उसके बाद ये जो नीचे वाली ट्रेन है यहाँ से नीचे लेके जाती है। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है अंदर का, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहन लो, रहन लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। ये देखें गाइस, ये क्रिश्चियन का, क्रिश्चियन जो लोग हैं उनका चर्च है ये, और ये देखें ऊपर यहाँ पे पहाड़ हैं, देखें यहाँ पे बच्चा पार्टी इंजॉय कर रहे हैं ऐसे, देखें इधर भी बैठे हुए हैं बच्चे, और ये नौजवान लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, और ये दीवारों के अंदर भी इनके वो हैं फिक्स, यहाँ पे स्टैचूज बने हुए हैं फादर जिन्हें कहते हैं, और ये ऐसे ही क्रिश्चियंस के जितने भी स्टैचूज उनके ही बने हुए हैं दीवारों के अंदर। चर्च के अंदर एंटर हो गए हैं और देखते हैं कि अंदर हमें अलाउ करते हैं कि नहीं वो वीडियो बनाना। ये देखें भी इनके स्टैचूज हैं, और ये कुछ स्पेनिश में लिखा हुआ है,
देखें, ये भी स्टैचू बने हुए हैं। इनके लिए बहुत काबिल मतलब एहतराम वाली जगह है ये, लेकिन क्यूटी पाए आए हुए हैं ऊपर यहाँ पे, और ये फनूस है इधर लगा हुआ। आपको याद होगा कि देवी ताबो जब हम गए थे तो हमने आपको वहाँ पे भी चर्च दिखाया था, लेकिन उसकी निस्बत ये उससे भी बड़ा चर्च है यहाँ पे। शोर भी नहीं कर सकते और कैमरा भी नहीं कर सकते हैं ऐसे निकले हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी अपनी इबादत चल रही थी और वहाँ पे वैसे भी नहीं था अलाउ कैमरा वगैरह निकालना। और यहाँ पे हम चलते हैं और ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे, मुझे लगता है कि ये वही तो नहीं कि कोई दुआ मतलब पूरी होने वाली हो या उसके लिए लगाया हो कि कैंडल मतलब जैसे दिया हिंदू वगैरह चलाते हैं, शायद ये उसी वजह से उसी के ये, लेकिन कितना खूबसूरत दिखे लग रहे हैं ये कलरफुल कैंडल्स है बॉक्स के अंदर। यहाँ से हम खरीद सकते हैं कैंडल्स। हाँ ये देखें 2 यूरो 50 सेंट यहाँ से खरीद सकते हैं, बहुत आगे तक बना हुआ है ये। अच्छा आगे का यू मतलब तो चर्च पे जा रहा है अभी फ्रेंड के लिए, ये चर्च से वापसी है उनकी शायद। ये देखें ये होटल्स हैं, उनके रूम्स वगैरह बने हुए हैं, उनके भाई फ्लावर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे होटल्स के बैक साइड है जो रूम्स सर्विस होती है जो होटल्स के अंदर, ये वो है सारा। और देखिए लोग यहाँ पे आके रह मतलब टाइम भी स्पेंड करते हैं, वीकेंड में आते हैं यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे रहते भी हैं और कुछ यहाँ पे देख के ऐसे हम मार्करा चले जाते हैं। और ये सारा व्यू है, ये देखें ये प्यारी जगह है, पानी बह रहे हैं यहाँ पे। और ये स्टैचू है उसका आवाज़ ओलिवा जिसने मोनसेरात बनाया, यहाँ पता नहीं क्या ये जगह बनाई है या क्या। गाइस उम्मीद है कि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।